So now we will see what is requirements gathering. If the feasibility report is positive towards undertaking the project, next phase starts with gathering requirements from the user. So अगर हमारी feasibility report इस सेंस में पॉजिटिव है कि जिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी को स्टडी करते हुए हम ये मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करते हैं कि दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट विल बी कंसीडर्ड और शुड बी कंसीडर्ड फॉर द डेवलपमेंट पर्पस, देन द नेक्स्ट फेज स्टार्ट्स विद गैदरिंग द रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द यूजर. आफ्टर दिस फिजिबिलिटी स्टडी जो नेक्स्ट फेज हम कंसीडर करेंगे दैट इज कॉल्ड रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग. और रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते हैं हम यूजर से. एनालिस्ट्स एंड इंजीनियर्स कम्युनिकेट विद द क्लाइंट और यूजर एंड यूजर टू नो देयर आइडियाज ऑन व्हाट द सॉफ्टवेयर शुड प्रोवाइड एंड व्हिच फीचर्स दे वांट द सॉफ्टवेयर टू इंक्लूड. In order to get the requirements, the analysts and engineers communicate with the client and end user. Requirements ko gather karne ke liye analysts or engineers communicate karte hain client se aur end user se ye janne ke liye ki what are their ideas about the system or the software that they have to develop. Ki basically jis particular software system ko डेवलप करना है उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर सिस्टम के बारे में उनके पास क्या नॉलेज या इंफॉर्मेशन है. व्हाट द सॉफ्टवेयर शुड प्रोवाइड एंड व्हिच फीचर्स दे वांट द सॉफ्टवेयर टू इंक्लूड. वो कौन से फीचर सेट सॉफ्टवेयर का पार्ट होने चाहिए. सो सिंपली हमारे रिक्वायरमेंट एनालिस्ट्स और इंजीनियर्स रिक्वायरमेंट्स को गैदर करने के लिए यूजर से कम्युनिकेट करते हैं इन ऑर्डर टू गेट ऑल ऑफ दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जो हमारे उस न्यू सॉफ्टवेयर सिस्टम की डेवलपमेंट से रिलेटेड है. सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिकेशन. SRS is a document created by system analyst after the requirements are collected from various stakeholders. SRS एक ऐसा document है जो system analyst create करता है after getting all the requirements from the users, from the stakeholders. SRS एक ऐसा document है जो analyst स्टेकहोल्डर से रिक्वायरमेंट्स को गैदर करने के बाद क्रिएट करता है. SRS defines हाउ द इंटेंडेड सिस्टम विल इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर, एक्सटर्नल इंटरफेसेस, स्पीड ऑफ ऑपरेशन, रिस्पॉन्स टाइम, पोर्टेबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर अक्रॉस वेरियस प्लेटफॉर्म, मेंटेनेबिलिटी, स्पीड ऑफ रिकवरी आफ्टर क्रैशिंग, सिक्योरिटी, क्वालिटी एंड लिमिटेशंस एटसेट्रा. SRS ये डिफाइन करता है कि हमारा न्यू सॉफ्टवेयर सिस्टम किस तरह से इंटरेक्ट करेगा हार्डवेयर से, एक्सटर्नल इंटरफेसेस से, व्हाट वुड बी द स्पीड ऑफ ऑपरेशंस, सिस्टम का रिस्पॉन्स टाइम क्या होगा, पोर्टेबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम अक्रॉस वेरियस प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर सिस्टम की मेंटेनेबिलिटी को डिफाइन किया जाएगा, आफ्टर क्रैशिंग स्पीड ऑफ रिकवरी को डिफाइन किया जाएगा, सिक्योरिटी लेवल्स को डिफाइन किया जाएगा, क्वालिटी और लिमिटेशंस वगैरह एस्पेक्ट्स को डिफाइन किया जाएगा. द रिक्वायरमेंट्स रिसीव्ड फ्रॉम क्लाइंट्स आर रिटन इन नेचुरल लैंग्वेज. यूजर से हासिल करदा रिक्वायरमेंट्स को नेचुरल लैंग्वेज में
राइट किया जाएगा विद इन दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट विच इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिकेशन. इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिस्टम एनालिस्ट टू डॉक्यूमेंट द रिक्वायरमेंट्स इन टेक्निकल लैंग्वेज. सो बेसिकली ये रिक्वायरमेंट्स एनालिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि यूजर से हासिल करदा रिक्वायरमेंट्स को टेक्निकल लैंग्वेज में डॉक्यूमेंट किया जाए इन SRS सो दैट दे कैन बी कॉम्प्रीहेंडेड एंड यूजफुल बाय द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम, ताकि वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन हमारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम यूज कर सके और अंडरस्टैंड कर सके. सो बेसिकली सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में यूजर से गैदर की गई तमाम इंफॉर्मेशन को डॉक्यूमेंट किया जाता है एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के अंदर विच इज कॉल्ड SRS. और इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में हमारे सॉफ्टवेयर की तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो शामिल होती है. ये इंफॉर्मेशन हमारे सॉफ्टवेयर के इंटरेक्शन से रिलेटेड होती है, एक्सटर्नल इंटरफेसेस से रिलेटेड होती है, स्पीड ऑफ ऑपरेशन से रिलेटेड होती है, सिस्टम रिस्पॉन्स टाइम से रिलेटेड होती है, पोर्टेबिलिटी से रिलेटेड होती है, मेंटेनेबिलिटी से रिलेटेड होती है, स्पीड ऑफ रिकवरी से रिलेटेड होती है, सिक्योरिटी क्वालिटी एंड लिमिटेशन से रिलेटेड हो सकती है. वो इंफॉर्मेशन जो हम क्लाइंट से रिसीव करते हैं उनको टेक्निकल टर्म्स में हम स्पेसिफाई करते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं SRS में इन ऑर्डर टू यूज दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट बिटवीन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम. SRS शुड कम अप विद द फॉलोइंग फीचर्स. वो कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो SRS का पार्ट होने चाहिए? यूजर रिक्वायरमेंट्स आर एक्सप्रेस्ड इन नेचुरल लैंग्वेज. नंबर वन, यूजर की रिक्वायरमेंट्स को नेचुरल लैंग्वेज में एक्सप्रेस किया जाता है SRS में. नंबर टू, टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स आर एक्सप्रेस्ड इन स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज विच इज यूज्ड इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स को ऑर्गेनाइजेशन की डिफाइंड स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज को यूज करते हुए SRS में एक्सप्रेस किया जाता है. फॉर्मेट ऑफ फॉर्म्स एंड GUI स्क्रीन्स प्रिंट्स, तमाम सॉफ्टवेयर रिलेटेड फॉर्म्स और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस स्क्रीन्स के फॉर्मेट को भी SRS का पार्ट बनाया जाता है. कंडीशनल एंड मैथमेटिकल नोटेशंस फॉर DFDs, ERDs, सीक्वेंस डायग्राम्स एटसेट्रा शुड बी इंक्लूडेड इन SRS. सॉफ्टवेयर के तमाम लॉजिकल मॉडल्स जो रिक्वायरमेंट्स को गैदर करने के बाद उनको मॉडल करने के लिए यूज की जाती हैं, वो तमाम कंडीशनल और मैथमेटिकल नोटेशन जो उन टेक्निक्स में यूज होंगी उनको भी अपने SRS का पार्ट बनाया जाता है विद मेंशनिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग द मॉडल्स ऑफ दीज रिक्वायरमेंट्स. नाउ वी विल सी व्हाट इज सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स वैलिडेशन. आफ्टर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस आर डेवलप्ड, the requirements mentioned in this document are validated. Requirements को specify करने के बाद वो particular requirements जो SRS में write की जाती हैं, specify की जाती हैं, उनको validate किया जाता है. And this validation will be done by the user. हम requirements को क्यों validate करते हैं? हम requirements को user से इसलिए validate कराते हैं कि वो set of requirements जो उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में लिस्ट की जाती हैं विद देयर डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, क्या वो रिक्वायरमेंट्स यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से वैलिड रिक्वायरमेंट्स हैं या के नहीं, सो दैट एरर्स को आइडेंटिफाई किया जा सके और उन एरर्स को करेक्ट करके वो रिक्वायरमेंट्स आउटलाइन की जाए जो रिक्वायरमेंट्स यूजर के अकॉर्डिंग सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूज की जाएंगी. रिक्वायरमेंट्स कैन बी चेक्ड अगेंस्ट फॉलोइंग कंडीशंस. वो तमाम रिक्वायरमेंट्स जिनको वैलिडेट किया जाएगा दे कैन बी चेक्ड फॉर द फॉलोइंग कंडीशंस. नंबर वन, इफ दे कैन बी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड, क्या वो रिक्वायरमेंट्स प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड हैं? इफ दे आर वैलिड एंड एज पर फंक्शनैलिटी
एंड डोमेन ऑफ द सॉफ्टवेयर, क्या वो रिक्वायरमेंट्स फंक्शनैलिटी और डोमेन के मुताबिक वैलिड रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या वो रिक्वायरमेंट्स डोमेन रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या वो रिक्वायरमेंट्स यूजर की डिफाइन करदा रिक्वायरमेंट्स हैं. इफ देयर आर एनी एम्बिग्युटीज देन दे विल बी हाईलाइटेड. अगर रिक्वायरमेंट्स में किसी भी तरह की एम्बिग्युटीज पाई जाती हैं तो उनको हाईलाइट किया जाएगा यूजर की तरफ से. इफ दे आर कंप्लीट, रिक्वायरमेंट्स को वैलिडेट किया जाएगा ये देखने के लिए कि वेदर दे आर कंप्लीट और नॉट. सो बेसिकली दीज आर दोज कंडीशंस जिनको सामने रखते हुए हमारा यूजर हमारे उस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को वैलिडेट करेगा.